सदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी पक्ष में मतदान करने के लिए शुक्रवार को गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद स्थित एक मैरिज हॉल में महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष सबिया सब्ज पोष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में बुनकर समाज और महिलाओं को आगामी लोकसभा चुनाव में 19 मई के दिन होने वाले मतदान में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मधुसूदन त्रिपाठी के पक्ष में वोट करने की अपील किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बुनकर समाज में काफी उत्साह है। इन लोगों की जो समस्या मेरे सामने उठाई गई है वो समस्या अगर मैं सांसद चुना गया तो दूर करूंगा। मैंने इन्हें बता दिया है कि मायावती और अखिलेश प्रधानमंत्री नहीं चुने जा रहे हैं, यहाँ भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष शैला अहरारी, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश शुक्ला, शिशुपाल सिंह पुरोहित, मदन तिवारी, अरुण अग्रहरी, महेंद्र नाथ मिश्रा, मृत्युंजय अनुराग पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में बुनकर समाज के पुरुष और महिलाएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा, लेकिन उनके पढ़ाई कर लीजिए। कम से कम आप लोगों से निवेदन है, शिशुपाल साहब से और प्रत्याशी मामले से और हमारे भारत का दृढ़ारू नेता है गोरखपुर के गुर्जर महिलाओं ने ये फैसला किया है कि कांग्रेस को हम लोग वोट देने जा रहे हैं। इस समय कांग्रेस को वोट देंगे और डॉक्टर जिताने जा रहे हैं गोरखपुर में, अभी गोरखनाथ क्षेत्र में होटल पे जा रहे थे, ये बात हो रही थी कि अब बैठे हुए सबके प्रयास से यह सभा हो रही है और ये सभा ये तय करने जा रही है कि कांग्रेस की भाजपा की सरकार की स्थिति, क्योंकि महागठबंधन की सरकार को आप जानते हैं कि एक 35 लड़ रहा है, एक 38 लड़ रहा है और 35 और 37 और 38 से देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सपा समर्थन सपा संरक्षण दे सकती है न तो बसपा संरक्षण देती, क्योंकि सेंट्रल में केवल कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, सपा और बसपा की कोई लड़ाई नहीं, आप जानते हैं। और ये सपा और बसपा अभी जैसा हमारे मदन त्रिपाठी जी ने कहा कि दोनों भाजपा का समर्थन ले चुकी है और भाजपा के समर्थन से सरकार बनाती है, ये फिर उनके हाथों में जाएगी, जो कि 37 आदमी से या 30 आदमी से या 15 आदमी से प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा और 20 आदमी से प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा। इसको आपको गौर करना है कि सेंट्रल में भाजपा की सरकार आप चाहती है कि कांग्रेस की सरकार चाहती है, सपा बसपा की सरकार तो प्रधानमंत्री बना ही नहीं सकती। इस बात को आप लोग गौर करिए और कांग्रेस को वोट दीजिए, हम आपके रहेंगे, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। ये महिला कांग्रेस हमारी कमेटी जो है उसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहरा हरारी जी और हमारे बगल में खड़ी कनक जी, ये दोनों लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना उत्साह है माइनॉरिटी में कांग्रेस के प्रति। और इन लोगों की जो समस्याएं मेरे सामने उठाई गई हैं, बुनकरों की जो समस्या उठाई गई हैं, वो समस्या अगर मैं संसद चुना गया तो मैं इनके समस्या के बारे में निश्चित तौर पर उनका निराकरण करूंगा। और मैंने इनको बता दिया है कि मायावती और अखिलेश का यहाँ मुख्य प्रधानमंत्री नहीं चुने जा रहे हैं, यहाँ भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है देश में, आप लोग उसको तय करिए कि आप भाजपा का प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री चाहते हैं। अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री चाहते हैं तो हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करना होगा और जब वो मजबूत होंगे तब हम आपकी मदद कर सकते हैं। यही मैंने इन लोगों से निवेदन किया है कि आप कांग्रेस के हाथ को मजबूत करिए, तब हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं जब हमारे हाथ मजबूत होंगे।